हे दोस्तों, मैं विकास आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल परफेक्ट शूटर्स में। हम यहां पर आए हैं टॉप 3 क्रिएटिव फोटोग्राफी आइडियाज़ बताने के लिए और आपको साथ ही साथ बताने के लिए कि कैसे आप भी एक छोटी सी स्माइली बॉल या अपनी नॉर्मल बॉल को लेकर अपनी फोटोग्राफी का लेवल जो है यहां से यहां कर सकते हैं और किस तरीके से करेंगे हम आपको इसमें बताएंगे और साथ ही साथ आपको गाइड भी करेंगे और कुछ टिप्स भी बताएंगे जिससे कि आपकी जो फोटोग्राफी का लेवल होगा बहुत अमेजिंग हो जाएगा और आपकी फ़ोटो जो आएगी वो ऑसम दिखेगी। तो चलिए देखें। गाइस, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम बॉल्स के साथ कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर एक स्माइली बॉल के साथ आए हैं और यहाँ पर हम आपको फोटोग्राफी बताएंगे कि किस तरीके से आप भी एक बॉल को लेकर अपनी फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर इस बॉल के साथ कुछ क्रिएटिव आइडिया करने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पर ये आपका मॉडल होगा, मॉडल जो करेगा इस तरीके से प्लेइंग करता रहेगा, ठीक है, प्लेइंग करते वक्त। और ये जो बॉल आया हम अपने कैमरे के पास रखेंगे जिसके कारण लगेगा कि इन्होंने बॉल को किक किया है और फोटो क्लिक किया है, ठीक है। तो ये इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब हम इस बॉल को स्टेबल करने के लिए इस लकड़ी का यूज़ करेंगे और इसको इसमें लगाएंगे और फिर फोटो क्लिकिंग करेंगे। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टिप इस तरीके से है कि मॉडल यहाँ पर बैठे रहेंगे और हम इसको हम इस तरीके से रखेंगे कि ये बड़ा बॉल दिखेगा और मॉडल इसके साथ टेक लगा के बैठे रहेंगे। तो हम इसमें क्लिकिंग करते हैं, चलिए देखते हैं कैसी आती है। ठीक है, आपको इस तरीके से रखना है इसको बॉल को ताकि ये कैमरे के अंदर बड़ा बॉल दिखे, जैसा कि हमने आपको अभी बताया। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने थर्ड टिप की तरफ। तो थर्ड टिप हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा, मैं अपना ये जो बॉल है कैमरे के करीब रखूंगा और मॉडल जो वहां रहेंगे और इस तरीके से पोजिंग करेंगे कि ये बॉल जो बहुत बड़ा है और उन पे प्रेशराइज कर रहा है और फिर हम इस तरीके से फोटो क्लिक करेंगे। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर बॉल को रख लिया है और ये कैमरे के करीब रखा है और इसी तरीके से हम फोटो क्लिकिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आपको क्रिएटिव आइडियाज़? अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सी क्रिएटिव आइडिया आपको अच्छी लगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमने फर्स्ट दो फोटोज़ में कैसे अपनी डंडी को हटाया है, तो वो हमने ऑब्जेक्ट रिमूवर से हटाया है, तो आप भी ऑब्जेक्ट रिमूवर से आप हटा सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी जो वीडियो की नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।